सिलसिलेवार तरीके से एक एक करके बात करता हूं। सबसे पहले कफील की बात करता हूं। डॉक्टर कफील ने 12 दिसंबर 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक भाषण दिया था और इसके अंतर्गत इन पर FIR दर्ज कर दिया गया 13 दिसंबर को, और जो धाराएं लगाई गई थी वो आपकी स्क्रीन पर हैं, सेक्शंस 153A और 295A IPC। उसके एक महीने बाद इन्हें 29 जनवरी को मुंबई एयरपोर्ट में गिरफ्तार किया जाता है। बाद में क्या आप जानते हैं कि अलीगढ़ के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट 10 फरवरी को एक आदेश जारी करते हैं जिसमें उन्हें रिहा करने का आदेश दिया जाता है। मगर दबंगई देखिए दोस्तों, दबंगई देखिए योगी सरकार की, इन्हें रिहा नहीं किया जाता। 3 दिन तक ये जेल में रहते हैं और फिर अचानक उन पर NSA लगा दिया जाता है। कफील के पीछे, डॉक्टर कफील के पीछे योगी सरकार लगातार पीछे पड़ी हुई है। BRD मेडिकल कॉलेज में भी इन्हें छूट नहीं देना चाहती थी, वो वहां से बरी हुए। अब इस मुद्दे को लेकर योगी सरकार इनके पीछे पड़ गई है, इन पर NSA लगा दिया गया है, और यकीन मानिए दोस्तों, NSA जो है वो किसी भी सूरत में कारगर साबित नहीं।